नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल के बारे में, यानी कि हमें क्या करना है, यंग मॉडुलस निकालना है किसी भी मटेरियल का। हमें इस केस के लिए कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसके थ्रू हम उसको निकालेंगे। यंग मॉडुलस हमारा क्या होता है, यंग मॉडुलस को हम वाई से डिनोट करते हैं और ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले जो लेक्चर्स हैं। तो अब देखिए, यहां पर जो है हमने एक फिक्स सपोर्ट ले ली, तो ये क्या है, एक फिक्स सपोर्ट हमने ले ली। इस फिक्स सपोर्ट पर हमें क्या करना है, दो वायर्स को लगाना है। अब यहाँ पे हमारा ये मैकेनिज्म बना हुआ है जहां से हम दो वायर लेंगे और एक वायर जो हमने ये लगाई है और इसके नीचे यहाँ पे ये लगाया है पैन, तो ये पैन है यानी कि इसके अंदर आप वेट को रख सकते हैं और ये क्या है, वायर है। तो जो भी दोनों वायर आप लेंगे वो सेम होंगी, सेम मटेरियल की होंगी, सेम लेंथ होगी और सेम क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया होगा उनका। तो यहाँ पर जो है स्केल लगा हुआ है, यहाँ पे ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, यानी कि माइन्यूट से माइन्यूट रीडिंग हम लेने की कोशिश करेंगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल के थ्रू। तो यहाँ पे ये स्केल ओवर एंड के पास जो है दोनों स्केल लगे हैं। अब इसी तरह से एक दूसरी वायर है जो कि उसके नीचे भी यहाँ पर पैन लगा है और ये वायर है। जैसे कि हमने बात की, वायर जो है बिल्कुल सेम मटेरियल की, सेम लेंथ की और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होगी। यहाँ पर भी पैन लगा है जिसके अंदर हम वेट को रख सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, जो ए वायर है, ए वायर हमारी होती है रेफरेंस वायर, इसको हम ए वायर बोल लेते हैं, ए नाम दे देते हैं। और ये हमारी जो वायर होती है इसको हम रेफरेंस वायर बोलते हैं। और ये जो बी वायर है इसको हम बी बोल देते हैं। और ये जो बी वायर है ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वायर है, यानी कि इसी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वेट को रखना है जो कि बी वायर है, यहाँ पे जो पैन है बी वायर का, यहाँ पर कुछ वेट को रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ है जो बी वायर के बिल्कुल लोअर एंड पे है, जो कि वर्नियर स्केल के अंदर जो है रीडिंग दिखाएगा। जो भी चेंज आएगा इस लेंथ के अंदर तो वो जो है हम स्केल से नोट कर पाएंगे। अब ये रेफरेंस वायर है, ये एक रेफरेंस का काम करेगी कि कोई चेंज जो है रूम टेम्परेचर के अंदर अगर कुछ भी चेंज आता है तो इसका भी लेंथ वैसे ही जो माइन्यूट चेंज आएगा इसमें भी आ जाएगा। अगर इसमें खाली पेन दोनों पे हम लटका रखा है तो इसमें भी ऑटोमेटिकली वो चेंज आ जाएगा। तो इसलिए रेफरेंस वायर का काम करेगी कि एग्जैक्ट रीडिंग हम लेने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सेम मटेरियल की है। अब यहाँ पर हम कुछ वेट रख देते हैं इस पेन के अंदर और कुछ समय के बाद देखते हैं तो इसके अंदर जो है लेंथ के अंदर कोई भी माइन्यूट अगर चेंज आता है, मान लीजिए कोई भी माइन्यूट चेंज आता है, तो ये जो पॉइंटर है यहाँ पर वर्नियर स्केल के अंदर रीडिंग हमारा दिखाएगा। अब ये जो है, अब इसके अंदर जो है हम मान लेते हैं कि जो आर है वो रेडियस है वायर की और जो एल है लेंथ है, तो आर क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया। और इसी तरह से जो एल है वो हमारी हो गई लेंथ हो गई। कौन सी वायर की हम बात कर रहे हैं, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि वायर जो बी है उसकी बात कर रहे हैं। तो आर और जो एल है ये इसकी रेडियस है और ये इसकी लेंथ है जो कि वायर बी है हमारी। अब जो भी चेंज आएगा, अब इसी तरह से एरिया जो है, एरिया वो क्या आ जाएगा इसका, अब ये सर्कुलर वायर है तो जो इसका एरिया रहेगा, जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा वायर बी का, वो क्या रहेगा, वो पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की वायर है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है जो यंग मॉडुलस है वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये हमारा होता है। तो ऊपर क्या है, स्ट्रेस है जो कि नॉर्मल है, नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है जो कि वेट होगा, यानी कि जो नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगी, जो टेंसाइल एक तरह से फोर्स है, अब वो कौन सी एक्ट करेगी, ये जो वेट है उसके कारण से। वेट क्या होगा हमारा, एम क्रॉस जी, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर जो हमारी फोर्स बनेगी जो कि इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो वो तो होगी हमारी एम जी डिवाइड बाय जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, जितना इसके चेंज इन लेंथ आएगा डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो डेल एल बाय एल है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहेगा। तो यहाँ पर एम जी आ गया। अब mg डिवाइड बाय जो नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी कि ये फोर्स बाय एरिया रहेगी, सॉरी, तो स्ट्रेस क्या है हमारा, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स होगी mg, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो mg डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया। और नीचे आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि डेल l बाय l आ गया। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा डेल l बाय l आ गया। तो ये समझ गए होंगे, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है हमारा,
स्ट्रेस जो रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो फोर्स यहाँ पे क्या है mg है, एरिया क्या है हमारा यहाँ पाई आर स्क्वायर है। इसी तरह से जो स्ट्रेन है वो क्या होता है, सिंपल सा अगर हम समझें, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ यानी कि डेल एल बाय एल। तो यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहे हैं और नॉर्मल स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये जो है इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा जो यंग मॉडुलस है। अब यहाँ पे जब आप कट आउट करेंगे इन सारी चीजों को तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा एम जी एल, ये एल ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आप जो है इसको रिफॉर्म करेंगे डेल एल और यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो डेल एल ये है पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारी वाई की वैल्यू। ये जो फॉर्मूला बनता है इस फॉर्मूले से हम जो है यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वाई है उसको डिटरमाइन किया जाता है इस तरह से एक्सपेरिमेंट से। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।